आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। तो बता दो, यहां पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है जहां पर लगभग जो है 70 से 100 यूनिट जो है ब्लड अभी तक लोग इकट्ठा हो चुका है, लोगों द्वारा दिया जा चुका है। और यहां पर आप मेरे पीछे भी देखेंगे जो युवती हैं यहां पर ब्लड दे रही हैं। और आप दूसरी साइड में आपको दिखा दूँ, यहां पर लाइन लगी पड़ी है ब्लड डोनेट करने के लिए। जो युवा हैं हमारे सीए हैं, यहां पर स्टूडेंट्स हैं जो कि यहां पर ब्लड डोनेट करने के लिए फॉर्म भर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ जमा हो रखी है। जो रक्तदान होता है वो महादान माना जाता है। आप रक्तदान करते समय आप अपनी ज़िंदगी भी और सामने वाली ज़िंदगी को भी बचाते हैं। सीए कनिका गुप्ता, क्या कहना चाहेंगे, कितने युवाओं ने अभी ब्लड दिया है? और जो कुछ युवा ऐसे जो बहुत ज़्यादा डरते हैं ब्लड देने से कि हमें बहुत डर लगता है हम नहीं देंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं खुद सीए हूँ और जब मैंने पहली बार ही ब्लड दिया था तो मैंने हमारे इंस्टीट्यूट में ही दिया था। दैट टाइम आई वॉज 18 और तब से अभी तक मुझे कभी ब्लड देने के बाद चक्कर नहीं आया, कोई वीकनेस महसूस नहीं हुई। ब्लड तो आई थिंक 24 आवर्स में दोबारा से बन जाता है। और अगर आप रेगुलर ब्लड देते रहते हैं, अभी हमारे स्टेज पे भी प्रोग्राम हुआ था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। राइट नाउ वी हैव मोर देन अराउंड 200 स्टूडेंट्स इन दिस प्रीमिसेस एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100 जैसा यूनिट हम कलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि फीमेल्स में बहुत सारा मतलब मंथली साइकिल होने के कारण या बहुत चीज़ों के कारण उनका HP लेवल उतना नहीं होता है कि वो ब्लड दे पाए। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 100 यूथ तो हमारे ब्लड दे ही पाएंगे। एंड बच्चे हमारे बहुत मोटिवेटेड हैं, आप देख भी सकते हो कि सब मतलब लाइन में लगे हुए हैं फॉर्म भरने के लिए, ब्लड देने के लिए। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड काउंट। कितने महीनों में ब्लड देना चाहिए? देखिए जितना हमें डॉक्टर्स बताते हैं तो उस हिसाब से तो आई थिंक क्वार्टरली ब्लड दे सकते हैं। विद इन 3 मंथ्स एक हष्ट पुष्ट और हेल्दी इंसान ब्लड दे सकता है 3 महीने में एक बार ही। हाँ जी हाँ जी। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत एक्साइटेड। जो लोग डरते हैं रक्तदान करने से और नहीं करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? इसमें कोई डरने जैसी चीज़ ही नहीं है एक्चुअली। और हमारे छोटे से डर के चक्कर में हम कुछ अच्छा काम करने से पीछे हट जाते हैं। रक्तदान जो है महादान माना जाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि डोनेट करना चाहिए? इनफैक्ट ये अपने लिए भी अच्छा रहता है, बहुत फ़ायदे हैं। जैसे अभी हमारा सेमिनार हुआ था उसमें उन्होंने बताया कि अगर हमारा गॉड फॉरबिड कभी एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है तो उसमें कोई इंसान अगर डोनेट नहीं करता तो वो 4 घंटे जीता है, पर जो करता है वो 6 से 8 घंटे भी जीत सकता है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, हमें अपने बारे में भी पता चलता है कि हमें बीमारी तो नहीं, दूसरों के लिए ना सही अपने लिए। हाँ जी हाँ जी। मेरा नाम सीए दीपक गर्ग। पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हो? नहीं, मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, मैं रेगुलर ब्लड डोनर हूँ और आज मेरा जन्मदिन है तो मैं इस मौके पे स्पेशली इसी काम के लिए आया हूँ। तो हैप्पी बर्थडे बनता है आपको। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो नाइस। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो डरते हैं ब्लड डोनेट करने से? देखिए मैंने अभी मंच पे जब स्पीच चल रही थी तो मैंने 3 या 4 बेनिफिट बताए थे। जब फर्स्ट टाइम मैंने डोनेट किया था तो मेरे को उन्होंने बताया था कि आप दूसरे की लाइफ तो बचाते ही हैं, साथ साथ अपने लिए बहुत एडवांटेज करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपका जो हार्ट डिसीज़ का चांसेस है वो 30% के आसपास रिड्यूस हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर बाय चांस गलती से कहीं भी आप एक्सीडेंट हो जाते हो, अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हो तो आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अगर रेगुलर ब्लड डोनर हो तो आपके जो सेल हैं वो एक्टिव रहते हैं हमेशा, ब्लड सेल, और वो ब्लड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि आपको ब्लड डोनेशन करने से आपकी रिपोर्ट्स, आपकी कोई बीमारी है तो जो भी संस्था ब्लड ले रही है वो आपकी रिपोर्ट आपको घर भेजती है। तो ये बहुत सारे एडवांटेज हैं जिससे मुझे लगता है कि आप दूसरे की लाइफ तो बचाते ही हैं, साथ में अपने आप को भी एक एडवांटेज है इस बॉडी में। और ब्लड, नया ब्लड बनना एक, चूँकि एक प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस है, मैं मानता हूँ कि जब नया ब्लड बनता है तो वो ब्लड प्यूरीफाई होता है। विजेंद्र सौरभ और मैं बतौर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद तैनात हूँ। और रक्तदान महादान इसी मुहिम के अंतर्गत आज जो रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद, नमस्कार जी सर, सी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पास इस समय कोई वैक्सीन नहीं है। जो बच्चे हैं प्रशिक्षु हैं
वो बहुत सी उत्साहित होकर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि फरीदाबाद जिला पिछले कई वर्षों से हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। इस वर्ष भी वर्ष 22-23 में भी लगभग 61,000 यूनिट से ज़्यादा रक्त की बूंदें एकत्रित हुई हैं और फरीदाबाद इस साल भी प्रथम स्थान पर है और जल्दी ही हम सभी रक्तदान करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको एक समारोह करके सम्मानित करेंगे। इस बारे में उपायुक्त महोदय के आदि आदेश हुए हैं तो जैसा भी होगा सभी आप शेयर कर दिया जाएगा। तो मैं तो सभी सक्षम युवाओं से समस्त जो भी रक्तदान करने में सक्षम है उनको आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। रक्तदान महादान और जीवनदान की इस मुहिम में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का सहयोग। मेरा नाम विपिन शर्मा है और मैं फरीदाबाद का एक्स ऑफिशियो मेंबर हूँ ICI का। आज के तारीख में हमने ICI ने ब्लड डोनेशन कैंप फरीदाबाद ब्रांच में लगाया, क्योंकि हम हर साल सोशल कोच बहुत करते हैं क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ड सोसाइटी भी है। तो हम ऑडिट के साथ साथ हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समाज के प्रति है उसको निभा रहे हैं। तो हम ये इस तरीके का प्रोग्राम जैसे आज ब्लड डोनेशन करा, 1 जुलाई को फिर ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे और काफ़ी समाज में जिस तरीके से जो मदद हो हम वो करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निर्वाह करते हैं। तो ICI अपना पूरा ऑल ओवर इंडिया 1 जुलाई को 168 ब्रांच में एक साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाने जा रहा है। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, सिविल सर्जन फरीदाबाद। आज ये ग्रुप ने एक कैंप ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करा था, उसके अंदर मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया है, जिसके अंदर गॉड साहब चीफ गेस्ट हैं और चेची साहब भी अभी आ रहे हैं, राजेश चेची जी, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इकट्ठा करना और लोगों की जान बचाना मेन मकसद है। यहाँ पर लगभग 100 के करीब ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा, अभी वो चल रहा है, 4 बजे तक कैंप चलेगा और एक ब्लड से हम 3 जनों की जान बचाते हैं। तो इस तरह से कम बहुत से लोगों को जिनको ब्लड की ज़रूरत है उनको ब्लड मिलेगा और उनकी सहायता होगी और उनकी जान भी बचेगी। तो इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं CA नितेश पराशर, चेयरमैन फरीदाबाद ब्रांच ऑफ NIRC ऑफ ICI। हमारी शाखा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की, इधर सेक्टर 20A में EF3 मॉल के बगल में। आज हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है विद इन एसोसिएशन विद रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री अजय गौड जी जो एक्स पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं CM हरियाणा वो आए थे, प्लस गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे साथ CMO साहब आए थे विनय जी, और हमारे साथ अभी DSP भी आने वाले हैं, वो लेकिन ऑन द वे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य आज का क्या है कि हम मैक्सिमम ब्लड डोनेशन करवाएं अपने CA स्टूडेंट्स और मेंबर्स के साथ मिलकर। सर, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा नाम विमल खंडेलवाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी का पैटर्न हूँ और मैं आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के अंदर ही आज ब्लड डोनेशन जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ में लगाया गया है। लोगों में बड़ा उत्साह है और निरंतर जैसा कि अब हमारे यहाँ के जो चेयरमैन हैं नितेश पाराशर जी के माध्यम से हम लोगों को बड़ा सहयोग मिला है। तो मैं समाज से एक अपील करना चाहूँगा, फरीदाबाद नंबर 1 पिछले 2 दशक से रह रहा है और निरंतर आगे भी हमारे फरीदाबाद वासियों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों और सभी संगठनों के माध्यम से है और मैं निरंतर आप सभी से के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, रक्तदान करके देखो बड़ा अच्छा लगता है और लोगों का जीवन इसके माध्यम से बचाया जा सकता है। एक यूनिट से हम 3 लोगों का जीवन बचाते हैं, स्वयं अपने जीवन तो बचाते ही बचाते हैं, दूसरों का जीवन बचा के देखें। और जीवन धरती पे आए हैं तो ऐसा कर्म करेंगे जो लोग बाग हमें याद करें, इसलिए कहेंगे रक्तदान।